गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 अध्याय 10 व्रत, इससे संबंधित कुछ प्रमेय मैंने आपको बताई थी। उन्हीं प्रमेय पर प्रश्नावली 10.3 हम यहाँ हल करते हैं। तो देखिए 10.3 प्रमेय के ऊपर आधारित है। अगर आपको प्रमेय याद है तो आप सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको प्रमेय 10.1, 10.2, 10.3 प्रमेय आपको समझाई थी, जो प्रमेय आपकी कक्षा 10 में 10.1 कक्षा 10 में आपको जो प्रमेय दे रखी थी, जो वीडियो मैंने भेजा था, वही प्रमेय आपके सेव प्रमेय है, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम प्रश्नावली 10.3 करते हैं। तो व्रत के कई युग्म यानी जोड़े बनाने हैं, दो दो के जोड़े, युग्म यानी जोड़ा। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो देखिए इसके लिए हम जोड़ा बनाते हैं। एक व्रत ये बनाया, एक व्रत ये बनाया, पहला व्रत ये है और दूसरा व्रत ये है। अब देखिए दोनों के बीच में दूरी है, यहाँ ये उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कोई उभयनिष्ठ बिंदु इस स्थिति में नहीं है। पहली बात तो इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु है नहीं। दूसरी बात, इस व्रत को दूसरी स्थिति में, इस व्रत को यहाँ तक और इस व्रत को यहाँ तक, तो देखिए यहाँ ये स्पर्श कर रहे हैं, तो ये बिंदु क्या हुआ, इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हुआ, तो ये भी इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है। या दूसरी स्थिति कर लेते हैं अपन, इस व्रत के अंदर ये व्रत इस परिधि को टच कर रहा है, एक और, तो यहाँ पर भी एक बिंदु हो गया और यहाँ पर भी एक बिंदु हो गया। माना बिंदु ए है ये और ये भी बिंदु ए है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा दोनों व्रत की परिधि, तो इनमें एक एक उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है? एक एक उभयनिष्ठ बिंदु। तो इस स्थिति में एक उभयनिष्ठ बिंदु हमारी हमारे बन रहे हैं। दूसरी बात है कि ये पूछ ये रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अब यहाँ तो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु एक मिला मेरे को, क्योंकि यहाँ भी एक मिला, यहाँ भी एक मिला। अब मैं व्रत को इस प्रकार बनाऊँ, यानी कि एक व्रत आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ देखिए एक उभयनिष्ठ बिंदु ये हुआ, एक उभयनिष्ठ बिंदु ये हुआ, यहाँ देखिए इस कंडीशन में दो उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है। ये माना कि ए है और ये बी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में हमारे पास दो उभयनिष्ठ बिंदु है। आगे अगर अब मैं कोशिश करूं कि तीन बिंदु मिले, तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि असंरेख बिंदु है ना तीन, तो उस पर एक ही बना जा सकता, संरेख वाली बात है। फिर आगे हमें ये स्थिति नहीं मिलती है कि हम एक व्रत पर एक दो व्रत पर, यानी कि एक युग्म पर तीन उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त करें। तो अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या कितनी हो सकती है हमारे पास? दो। ये दो नंबर की स्थिति है, तो ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति, तो अधिकतम बिंदु की स्थिति ये हो सकती है जिस पर दो उभयनिष्ठ बिंदु हमें मिल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर दो देखिए कि यदि दो व्रत परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। ये देखिए वो का वही सवाल है कि यानी दो बिंदु परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है बी पर, इसमें ए और बी उभयनिष्ठ बिंदु, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गए, क्योंकि दोनों व्रत एक दूसरे को ए और बी पर काट रहे हैं। अब यह आगे देखिए तो सिद्ध करें इस बात की ओर ध्यान दें कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब संधि वाचक है, उनके केंद्र, ये उनका केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब संधि वाचक है। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ, ये और ये उसका केंद्र है, एम माना मैंने, केंद्र को एम माना है। ये उभयनिष्ठ जीवा जो देखिए एक व्रत ये है और एक व्रत ये है, ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु और ये, इस प्रकार ये उभयनिष्ठ जीवा हो गई। इस व्रत के लिए ये जीवा और इस व्रत के लिए ये जीवा, तो ये ए बी क्या है, दोनों व्रत के लिए उभयनिष्ठ होगी। अगर मैं इसमें देखते हैं कि ए और बी दोनों यहाँ काट रहे हैं पर एक लाइन में यहाँ खेल लूँ, तो ये इसके लिए ए बी इसकी भी जीवा हो गई और ए बी इसकी भी जीवा हो गई। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जीवा क्या होती है, तो इसके लिए मतलब ये है कि ए बी इसकी उभयनिष्ठ जीवा है। तो हमें सीधे ये करना है कि कौन ओ एस है, अब मैं नाम दे देता हूँ, ए बी तो ये हो गई, ये एम है, तो ये केंद्र ओ है एक व्रत का, दूसरा केंद्र ओ डैश है दूसरे व्रत का। तो हमें सीधे ये करना है कि ए बी क्या है, उभयनिष्ठ जीवा, ए बी उभयनिष्ठ जीवा है। दूसरी बात समझ में आ रहा है, दूसरी बात से हमें ये करना है कि कौन ओ एम है, ओ एम ए बराबर है कौन ओ डैश एम ए के,
ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का। तो मैं क्या करूंगा कि कुछ रचना करता हूं कि ओ डैश और ओ को मिलाया, ओ और ओ डैश को मिलाया, उसके बाद में ओ को ए से मिलाया और ए को ओ डैश से मिलाया, इसी तरह मैं बी को ओ डैश से मिला देता हूं इस प्रकार, और ओ को बी से मिला देता हूं। तो यहां देखिए मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा है। तो हमें इसी तरह मैंने बता दिया कि एक तो एबीओ इसमें ओपनिस्ट जीवा है ये दे रखा है, दूसरी बात सीधा ये करना कि कोण ओ एम ए बराबर है कोण ओ डैश एम ए बराबर 90 डिग्री, तीसरी बात एम ए बराबर है एम बी के, एम ए बराबर है एम बी के, क्या समति भंजन हो रहा है, जीवा का समति भंजन कर रहा है ये केंद्र, दोनों केंद्रों को मिलाने पर। अब तो यहां देखिए त्रिभुज ए ओ ओ डैश में, त्रिभुज ए ओ और ओ डैश में, और त्रिभुज बी ओ और ओ डैश में इस प्रकार। इसके बाद चलते हैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की। तो यहां देखिए एओ बराबर होगी क्या बीओ, एओ बराबर ये हो गया किसके बराबर होगी इसके, क्यों, क्योंकि ये ए के वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या ए के वृत्त कितने भी खींचो त्रिज्या तो समान रहेगी, तो ओए बराबर होगी क्यों, क्योंकि ये ओए बराबर है किसके ओबी के, क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में एओ बी एओ एम में या एओ ओ डैश में O dash और B को O dash में O A बराबर होगी O B के, क्यों, क्योंकि A की वृत्त की त्रिज्या है, A की वृत्त की त्रिज्या है। दूसरी बात O dash बराबर O dash, O dash बराबर O dash, क्यों, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज के लिए ये A की काम में आ रही है, ठीक है। तीसरी बात O dash A और O dash B, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज को मैं इस प्रकार बना दूं, तो ये देखिए अब क्या हो रहा है कि ये भुजा इस भुजा बराबर हो गई और ये भुजा इस भुजा बराबर आ गई इस प्रकार, तो ये क्या हो गई, इसमें उभयनिष्ठ आ गई, उभयनिष्ठ रेखा आ गई, तो ओ डैश और ओ डैश क्या है उभयनिष्ठ आ गई। तो देखिए भुजा 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 एस 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 के नियम से, इस नियम से मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए ओ डैश समांगसम त्रिभुज बी ओ ओ डैश को, तो एस एस के नियम से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समांगसम है, और हम जानते हैं कि समांगसम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं, तो इसका मतलब कि ये कोण बराबर होगा इसके और ये कोण बराबर होगा इसके, ठीक है। तो यहां देखिए कोण ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश ये वाला कोण बराबर होगा बी ओ तो दूसरी बात इसका मतलब हो गया कि कोण ए ओ एम कोण ए ओ एम, यानी कि इसको आगे बढ़ाया तो होता जा रहा है, तो हम तो इसको यहीं तक मानते हैं ए ओ एम बराबर होगा बी ओ एम के, तो ए ओ एम बराबर बी ओ एम, पहली बात आ गई। दूसरी बात अब हमें यह मालूम पड़ गया कि ए ओ एम बराबर हो गया बी ओ एम से, अब दूसरी बात हम ये लेके चलते हैं कि ए ओ एम व बी ओ एम है, क्योंकि हमें ए ओ एम व बी ओ एम इसकी तुलना करेंगे इस प्रकार। अब यहां देखेंगे तो हमने पहले बताया था कि ओ ए बराबर ओ बी ए की वृत्त की त्रिज्या है, दूसरी बात ए ओ एम ये वाला कोण, ये कोण बराबर है इस वाला कोण के, जो हमने पहले ये सिद्ध कर दिया, ये कंडीशन स्थिति एक से मैंने सिद्ध कर दिया कि कोण ए ओ एम बराबर है कोण बी ओ एम के, ठीक है। अब तीसरी बात जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो तीसरा क्या हो गया ओ एम बराबर ओ एम, ये क्या हो गया भुजा उभयनिष्ठ हो गई, यानी कि ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा बराबर इसको हो गई इस त्रिभुज की, ये भुजा इस त्रिभुज की, इस भुजा बराबर। दूसरी बात ये कोण बराबर है इस कोण के, जो मैंने पहले इस कंडीशन में सिद्ध कर दिया था, ठीक है। अब तीसरी बात क्या करना, तीन नियम निकालना अपने को, तीसरी बात ये कह सकता हूं मैं कि दोनों में ओ एम उभयनिष्ठ है,
ये एम है तो ओ एम उभयनिष्ठ है, इसका मतलब कि त्रिभुज ए ओ एम उभयनिष्ठ समाकसम है बी ओ एम के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए समाकसम है। अब समाकसम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं, तो इसका मतलब कि ये बची कौन सी भुजा है, ये भुजा बची है ये वाली, तो ये भुजा बराबर होगी किसके इसके, तो मैं कह सकता हूँ कि ए एम बराबर होगी एम बी के, ए एम बराबर होगी एम बी के बाई सी पी सी टी, पहला आंसर ठीक है। ए बी उभयनिष्ठ जीवा है, तो ये ए बी उभयनिष्ठ जीवा होगी ए एम बराबर बी एम, क्योंकि ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, समझी बात कर रहा है, तो ए एम बराबर बी एम पहला आ गया ठीक है। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि ओ एम में बराबर होगा ओ एम ओ डैश एम ए, तो यहां देखिए ओ एम ए बराबर ओ एम बी, ओ एम ए ओ एम ए बराबर ओ एम बी, यानी कि ये कौन और ये कौन, जब ये लंब हो गया जीवा पर ये लंब हो गया तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ओ एम ए, अब ये दोनों बराबर है तो मैं इसकी जगह क्या लिख लूं ओ एम ए लिख लूं, जब ओ एम ए बराबर ओ एम बी है तो ओ एम ए की जगह में दोनों कोणों का योग क्या होगा, देखिए ये 90 और ये 90 तो दो एक रेखीय युग्म हो गए, एक सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह इस प्रकार भी हो सकता है, तो कहने का मतलब यह है कि इस कोण और इस कोण का योग 180 होता है, तो जब ओ एम ए बराबर ओ एम बी है तो मैं दोनों को ओ एम ए लिख लेता हूँ, तो ओ एम ए कोण ओ एम ए बराबर प्लस कोण ओ एम ए, तो दोनों का योग 180 होगा, तो ओ एम ए प्लस ओ एम ए यानी पूरा ओ एम ए, तो 180 में दो का भाग दिया तो हमारे पास ओ एम ए का मान आ जाएगा 90 डिग्री, इस प्रकार अगर किसी सरल रेखा पर परिणाम डाला जाता है तो 90 डिग्री का परिणाम होता है, तो ये हमारे पास आ गया ओ एम ए 90 डिग्री। इस प्रकार प्रमेय के ऊपर आधारित प्रश्न में 10 पॉइंट थी मैंने आपको हल करके बता दिया। ये सवाल आपके कब हो सकते हैं, जब आपको प्रमेय आपके दिमाग में सेट हो, अगर आपको प्रमेय के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है तो इस तरह का सवाल आप हल नहीं कर सकते, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप प्रमेय को थोड़ा ढंग से समझें।